एक बड़ी खबर मिल रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 3 लाख सैनिकों की कटौती का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना को आधुनिक बनाने और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत पीएलए में कटौती का ऐलान किया गया है। इसके तहत चीन के सैनिकों की शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही चीन की सरकार अपने सैनिकों के वेतन में इजाफा भी कर रही है। तो चीन की सेना में 3 लाख सैनिक कम होने के बाद कितने सैनिक बचेंगे, ये जानने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि पीएलए में अभी कितने सैनिक हैं। यूके बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन की सेना में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि नेवी में सैनिकों की संख्या 2,60,000 है। उधर चीन के एयरफोर्स की अगर बात करें तो 3,95,000 सैनिक कर्मी यहाँ मौजूद है और चीन की सेना में एक बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रॉकेट फोर्स भी है जिसमें 1,20,000 सैनिक मौजूद है। इसके अलावा चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में 1,45,000 सैनिक मौजूद है। इस बीच मेक्सिको में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। मेक्सिको की सरकार ने इससे जुड़ा एक सख्त कानून लागू किया है ताकि हर हाल में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को रोका जा सके। यही नहीं, मेक्सिको में तंबाकू से जुड़े उत्पादों के विज्ञापन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका मतलब है कि अब वहां दुकानों के अंदर भी सिगरेट को दिखाकर बेचा नहीं जा सकेगा। और इधर वाराणसी से बिहार के सारण के लिए रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज छपरा में ही गंगा नदी में फंस गया। जानकारी के मुताबिक क्रूज कम पानी होने की वजह से नदी में अटक गया, जिसके बाद उसमें बैठे सैलानियों को छोटी नाव के जरिए बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ के जवानों ने सभी को एक एक कर क्रूज से बाहर निकाल कर उन्हें सुरक्षित चिरांद पहुंचाया। इस दौरान वहां सैलानियों का जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि सुरक्षा की वजह से सैलानियों को आम लोगों से दूर रखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार किया है। भगवंत मान ने यह कहा कि उन्हें पंजाब की जनता ने सीएम बनाया है। राहुल पर निशाना साधते हुए भगवंत मान ने कहा, चुने हुए सीएम को उन्होंने 2 मिनट में दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि पंजाब के सीएम को किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए, और इसी के बाद भगवंत मान ने ट्वीट कर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके आखिर राहुल गांधी को लिखा क्या, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है। मुझे सीएम पंजाब की जनता ने बनाया है और चन्नी जी को राहुल गांधी ने, आपने 2 मिनट में चुने हुए सीएम कैप्टन साहब को दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया था। यात्रा में पंजाब के अध्यक्ष को धक्के पड़ रहे हैं, आप बोलते अच्छे नहीं लगते।